मंशा क्या है ये समझना बहुत आवश्यक है। कम्युनल क्लैश हो और उसको रोकने की क्या क्या प्रयास किए जाएं, सरकार का ये, किसी भी राजनीतिक दल का ये काम होना चाहिए। उसका लाभ कैसे उठाया जाए ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, लेकिन वो षड्यंत्रकारी ताकतें हैं उनको लोग पहचानते हैं, भारतीय जनता पार्टी को लोग भली भांति पहचानते हैं, उनके इन षड्यंत्रों को लोग कामयाब नहीं होने देंगे। समाज को बांटने का षड्यंत्र मुझे नहीं लगता सफल हो सकता है छत्तीसगढ़ में। सर, बीजेपी जहां बहुत सारे मुद्दों पे कांग्रेस को घेरने की कोशिश करती है, जैसे कि कोल स्कैम, लिकर स्कैम और पीएससी में कोई इरेगुलरिटी, तो आप उन चीजों को कैसे काउंटर करते हैं? सीएजी रिपोर्ट ने आयुष्मान भारत में स्कैम निकाला, भाजपा की एक फ्लैगशिप स्कीम है उसमें स्कैम निकाला, और भी दो तीन बड़े स्कैम्स निकाले सीएजी रिपोर्ट। सीएजी रिपोर्ट पर एक्शन लेने की बजाय, भ्रष्टाचार पर एक्शन लेने की बजाय, मोदी जी ने सीएजी के अफसरों पर एक्शन ले लिया, उनकी ट्रांसफर करा दी। ये भ्रष्टाचार की बात करेंगे? बताइए आप। छत्तीसगढ़ में हमारा जो पिछले 5 साल का बही खाता है, जो हमारा काम करने का जो हमने एक शैली हमारे मुख्यमंत्री ने यहां दिखाई है, दर्शाई है, 36 में से 34 हम लोगों ने वादे पूरे किए हैं। मुझे नहीं लगता कोई ऐसी सरकार, कम से कम भाजपा की कोई ऐसी सरकार नहीं होगी जिसने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाई, बावजूद इसके कि 2.5 साल कोविड को कुर्बान हुए, उसके बावजूद अगर इतना काम कर पाई तो सोचिए अगर पूरे 5 साल बिना किसी कोविड की महामारी के खतरे के अगर काम किया होता तो कहीं ज्यादा काम कर पाते। आने वाले 5 सालों में करके दिखाएंगे।